नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरल गुरु में। दोस्तों, नाग पूजा का विधान न केवल हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पर तो विधि विधान से नाग पूजा संपन्न की जाती है। इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहीं मंदिर के खजाने की रखवाली करने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा होती है, तो कहीं इन्हें कुल देवता के रूप में पूजते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पानी के नीचे छिपा खजाना साफ नजर आता है, लेकिन नाग देवता के चलते आज तक इसे कोई भी छू नहीं सका है। जिसने भी इसे चोरी करने की कोशिश की, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि फिर किसी ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। मंडी जिले के कमराह नामक स्थान पर घने जंगल से घिरी पहाड़ी का नाम है कमरू नाग। कमरू नाग पुरातत्व विज्ञानियों के अनुसार इस झील में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल का है। इस झील के किनारे कमरू नाग देवता का भी मंदिर है, जहां जुलाई के महीने में सराह नाहुली मेले का आयोजन करके नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि कमरू नाग झील में सोना चांदी और रुपए पैसे चढ़ाने की यह परंपरा सदियों पुरानी है। श्रद्धालु यहां अपनी मुरादें पूरी होने के बाद अपनी आस्था के अनुसार सोने और चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। बता दें कि समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में अरबों का खजाना है, जो कि पानी से बिल्कुल साफ झलकता है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यता है कि इसकी रखवाली खुद कमरू नाग देवता करते हैं। झील में पड़े खजाने की सुरक्षा स्वयं कमरू नाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान ही चली गई। इसके अलावा एक बार एक चोर ने झील से खजाने की चोरी का प्रयास किया, बाद में वह पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गईं। पौराणिक मान्यता है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसे उन्होंने कमरू नाग देवता को समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार मंडी में अंग्रेजी अधिकारी ने सोचा कि झील में फेंके जाने वाले खजाने का प्रयोग क्यों ना राज्य की जरूरतों पर किया जाए। इसके लिए वह झील से खजाने को निकलवाने के लिए निकला। कई लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने स्थानीय राजा से भी राज्य की तरक्की की बात करके झील से खजाने को निकालने के लिए मना लिया। कहा जाता है कि जैसे ही वह कमरू नाग के लिए निकला, तो जोर की बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उस अंग्रेज अधिकारी को रास्ते में ही रुकना पड़ा। बताया जाता है कि अपने निवास के दौरान उसने स्थानीय फल खाया, जिसे खाने से उसकी तबीयत नासाज हो गई। इसके बाद उनकी तबीयत में लगातार गिरावट होती रही। हार कर अंग्रेज अधिकारी वापस इंग्लैंड लौट गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव रत्न यक्ष, जिन्हें महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपनी रथ की पताका से टांग दिया था, उनको एक पिटारी में लेकर हिमालय की ओर लेकर जा रहे थे। तब वह नलसर पहुँचे, तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसने उनसे उस पिटारी को एकांत स्थान पर ले जाने का निवेदन किया। इसके बाद वह उसे कमरू घाटी लेकर गए। वहाँ एक भेड़ पालक को देखकर रत्न यक्ष इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं रुकने का निवेदन किया। रत्न यक्ष के कमरू नाग में रुकने के पीछे की यह कथा मिलती है कि वह उसी क्षेत्र में जन्मा था। उसने पांडवों और उस भेड़ चालक को बताया कि त्रेता युग में उसका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उसे जन्म देने वाली नारी नागों की पूजा करती थी। उसने उसके गर्भ से 9 पुत्रों के साथ जन्म लिया था। रत्न यक्ष ने बताया कि उनकी माँ उन्हें एक पिटारे में रखती थी, लेकिन एक दिन उनके घर आई एक अतिथि महिला के हाथ से यह पिटारा गिर गया और सभी सांप के बच्चे आग में गिर गए। लेकिन रत्न यक्ष अपनी जान बचाने के प्रयास में झील के किनारे छिप गए। बाद में उनकी माता ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनका नाम कमरू नाग रख दिया। उन्होंने बताया कि वही इस जन्म में रत्न यक्ष राजा के रूप में जन्मे। तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।